ये कहानी है छतरपुर गांव की, जहां करिया अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। छतरपुर में बारिश ना होने की वजह से जमीनें सूख सी गई थी, जिसके कारण खेतों में अनाज पैदा नहीं होता था, और इस वजह से करिया अपनी पत्नी से झगड़ा किया करता था। ये क्या, आज भी सिर्फ चावल खाने में? मैं कब खाऊंगा अच्छा खाना? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बड़े आए अच्छा खाना खाने वाले, अगर मैं पैसे ना बचाऊं तो चावल भी नसीब ना हो। नसीब नसीब, बस सब नसीब का कमाल है। तुम्हारा बस नाम ही प्रेमा रखा है माँ बाप ने, प्रेम तो दूर दूर तक नहीं है। चुपचाप खाना खा रहे हो या मैं तुम्हें खिलाऊं? तुम्हारे कड़वे वचन सुनकर ही मेरा पेट भर चुका है, मैं जा रहा हूँ, नहीं खाना मुझे ये सब। करिया प्रेमा से झगड़ा करके वहाँ से चला गया और जाकर अपने खेत में हल चलाने लगा। कड़ी धूप में परिश्रम करने के बाद उसे नंदू पहलवान नजर आया। अरे नंदू भाई, आज कहाँ से पहलवानी करके आ रहे हो? बड़े मुस्कुरा रहे हो, जरूर जीत कर आए हो। पहलवानी तो नहीं, बस ये एक मैं आम लेकर आया हूँ, यही गंदे नाले के पास से। क्या कहा, गंदे नाले के पास से? वहाँ आम कैसे मिल सकता है? क्यों नहीं मिल सकता, मैं ये लेकर तो आया हूँ, जाओ तुम भी ले लो। नंदू सोचने लगा और वहाँ उस गंदे नाले के पास चला गया। ये पहलवान जरूर पागल हो चुका है मोटी बुद्धि का, इसे क्या पता कि गंदे नाले के आसपास भी कोई नहीं भटकता, और ये पता नहीं कहाँ से आम लेकर आ रहा है, मुझे जाकर एक बार देखना चाहिए। करिया उस गंदे नाले के पास चला जाता है और वहाँ की बदबू से हैरान होकर वो सोचने लगता है। यार यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा, ये नंदू बुड़बक को किसने आम दे दिया? मुझे यहाँ से चलना चाहिए, लगता है वो मुझे बेवकूफ बना गया। जैसे ही करिया वहाँ से जाने लगा, उसे उसी नाले के पास से गांव के भिखारी ने आवाज दी। क्यों बे, आम लेने आया है? कौन हो तुम और बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो? मैंने ही उस पहलवान को आम दिया था, मैं कोई ऐसा वैसा भिखारी नहीं हूँ। अगर तुम मुझे मक्के की रोटी खिलाओगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगी चीज दूंगा। मेरे पास चावल खाने के पैसे नहीं है और तुम मक्के की रोटी मांग रहे हो, तो तुम्हारी हालत मुझसे भी खराब है लगता है। भिखारी के इतना कहते ही करिया को क्रोध आने लगा, और तब करिया ने भिखारी से कहा, तुम इतना कैसे बोल लेते हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मनपसंद मक्के की रोटी खिलाता हूँ। करिया उस भिखारी को लेकर एक छोटे से ढाबे पर गया और वहाँ जाकर उसे मक्के की रोटी खिलाने लगा। वाह वाह, मक्के की रोटी, वाह वाह, मक्के की रोटी, सरसों दा साग, चले की जिंदगी बिल्कुल भाग भाग, वाह वाह, देखा तुमने, मैं तो गायक भी हूँ। वो सब छोड़ो, खाना खाओ, मुझे और भी बहुत काम है। करिया ने उसे मक्के की रोटी और सरसों का साग खिलाया और उससे कहा, तुमने उस पहलवान को आम दिया था, तुम मुझे क्या देने वाले हो? इमली, मैं तुम्हें इमली देने वाला हूँ, इस इमली को अपनी पत्नी के साथ खाकर तुम इसके बीज को गंदे नाली के पानी के पास बो देना और जादू देखना। इतना कहकर भिखारी वहाँ से चला गया, लेकिन करिया उस इमली को देखकर सोचने लगा, ये कैसी इमली है, कहीं ये मुझे पागल तो नहीं बना गया? उधार में मक्के की रोटी और सरसों का साग भी खा गया और आम की जगह दे भी गया, तो क्या ये इमली। करिया उस इमली को लेकर अपने घर चला गया और अपनी पत्नी प्रेमा को देकर कहने लगा, भाग्यवान ये इमली ले लो, इसका कुछ बना देना या खा लेना। इमली की कौन सी सब्जी बनती है भला, इसे हमें खाना ही होगा ना। हाँ खा जरूर लेना, और ध्यान रखना इसके बीज मुझे दे देना, मैं इसको बो दूंगा। खेतों में कुछ बोना हो तो मुंह फूल जाता है, और तुम चले इमली बोने के लिए, वाह इतने मेहनती कब से हो गए हुँ? लो अब तुम्हारा झगड़ा शुरू, चलो जाओ घर के काम करो। प्रेमा ने इमली खा लिए और उसके बीज को करिया को थमा दिया। करिया उस गंदे नाले के पास फिर से चला गया और वहां जाकर उस इमली के बीज को बोने लगा ठीक नाले के पास। ये हो गया इमली बोने का काम पूरा, कल सुबह आकर देखता हूँ ये कितना बड़ा पेड़ बनेगा। दूसरे दिन सुबह करिया उस इमली के पेड़ के पास गया और वहां जाकर दंग रह गया। इमली का पेड़ एक ही दिन में बहुत बड़ा बन गया था, जिसमें खूब सारे इमली भरे हुए थे, जिसे देखकर वो सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है भला, कल ही मैंने बीज बोए थे और आज इमली का पेड़ इतना बड़ा कैसे हो गया? जरूर कोई ना कोई बात तो है, और इस पर इतनी सारी इमलियां नजर आ रही हैं, मुझे इमली तोड़ने होंगे।
करिया उस इमली के पेड़ से इमली तोड़ने लगा और जैसे ही इमली करिया ने तोड़ी उसमें से हीरे निकलने लगे। इमली के टूटते ही हीरो की बौछार होने लगी, छोटे छोटे कीमती हीरे। उन हीरो को देख कर करिया चौंक गया। ये हीरे कैसे हो सकते हैं? हाय मैं माला माल हो गया, कमाल हो गया, हाय यकीन नहीं हो रहा मुझे। उन इमली और हीरो को लेकर करिया उसी भिखारी को ढूंढने लगा जो कि एक मंदिर के बाहर आराम कर रहा था। क्यों आ गए ना चौंक कर मेरे पास? लेकिन ये कैसे हो सकता है? इमली के पेड़ से हीरे कैसे निकल सकते हैं? तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, आखिर तुम हो कौन? अरे बाबा मैं हूँ तो साधारण इंसान ही। तुम्हें और भी हीरे चाहिए हो तो उस गंदे नाले को साफ करो। उस नाले को साफ करके ही मैंने इतना पुण्य कमाया है जिसका मैंने तुम्हें थोड़ा सा हिस्सा बांट दिया। मैं उस नाले की आज ही सफाई करूंगा और अच्छे से करूंगा और सारे हीरे ले जाऊंगा। करिया सारे हीरे और इमली ले जाकर अपनी पत्नी प्रेमा को दे देता है और प्रेमा से कहता है, अब से हमें किसी भी चीज से डरने की या तरसने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास अब सब कुछ है। हे भगवान, मुझे नहीं पता था कि मेरे इमली के बीज को खाकर फेंकने से इतने हीरे मिल जाएंगे। बचपन से लेकर अब तक करोड़ों का नुकसान हो गया। वो कैसे भाग्यवान, मैं समझा नहीं। मैंने कितने सारे आम और इमली के बीज खाकर बस ऐसे ही फेंक दिए। दोनों हंसने लगते हैं और अपनी जिंदगी उस हीरे की मदद से अच्छी कर लेते हैं। पूरे एक साल बीत जाने के बाद जब उनके पास हीरे और पैसे नहीं बचते तब प्रेमा करिया से कहती है, क्यों ना हम दोबारा वहाँ चले उस नाले के पास? हमारे पैसे भी अब खत्म हो चुके हैं। हम उस गंदे नाले की सफाई करेंगे, पूरी तरह से सफाई, और सारे हीरे दोबारा हासिल कर लेंगे। लेकिन लोग क्या कहेंगे कि करिया और उसकी पत्नी उस नाले की सफाई करने जा रहे हैं? छी छी, मैं नहीं करूंगा ये सब। जी आपको मेरी कसम। करिया और प्रेमा दोनों ही उस नाले की सफाई करने लगते हैं। लोगों का गिराया हुआ प्लास्टिक कचरा उस नाले में जमा हुआ होता है। वहाँ जाकर पूरे एक महीने तक सफाई करते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता, जिससे दोनों चिंतित हो जाते हैं। यहाँ तो हमें अब कुछ नहीं मिल रहा, सारी जमीन जायदाद घर सब बेचना पड़ जाएगा हमें, अगर आज भी हीरे नहीं मिले तो। मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। लो देखो हो गया ना। करिया और प्रेमा ने नाले को पूरी तरह से साफ कर दिया था। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगे करिया की नजर नाले के पानी पर पड़ी और उसने देखा कि नाले के पानी में हीरे तैर रहे हैं। सारे हीरे नाले के पानी के ऊपर आ रहे हैं, जिसे देखकर दोनों झूम उठे। हुर्रे हीरे मिल गए, हुर्रे! मैंने कहा था ना तुमसे कि हीरे मिल जाएंगे, देखो हो गया ना। हमने थोड़ी सी प्रकृति क्या साफ की, हमारी जिंदगी बदल गई। अब से हम इन हीरो से मिले पैसों को दान करेंगे और अपना जीवन जिएंगे। तुमने सही कहा, हमने भूखमरी देखी है, हम ऐसा ही करेंगे। प्रेमा और करिया दोनों ही उस हीरे के नाले की मदद से खुश रहने लगे और लोगों की सेवा करने लगे और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे। एक बार की बात है, भीमा नाम का एक पहलवान पहलवानगढ़ गांव में रहता था। वो बड़ा ही शक्तिशाली, लंबी काठी और लड़ाकू किस्म का व्यक्ति था, जिसे देखकर गांव के सभी लोग डरा करते थे और वो गांव के सभी लोगों को परेशान किया करता और उनसे हफ्ता लिया करता था। उससे कुश्ती लड़ने दूर दूर से लोग आया करते थे, पर हर बार की तरह वो सबको हरा देता था। इसी वजह से उसमें और ज्यादा घमंड आ गया था। मेरा नाम है भीमा, जो मुझसे टकराएगा उसका बना दूंगा कीमा। मुझे आज तक कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ, मैं हूँ इस गांव का बाहुबली पहलवान। भीमा के साथ उसका नौकर कल्लू रहता था, जो उसकी सेवा किया करता था। एक दिन वह भीमा के पास आता है और उससे कहता है, भीमा भाई। क्या हुआ कल्लू, इतना क्यों चिल्ला रहा है? बोले तो भाई गजब हो गया, लगता है गांव में आपका खौफ खत्म हो गया। इस बार भी उस केशव ने हफ्ता नहीं दिया,
उसका कुछ करो भाई, कहीं उसकी वजह से गांव में आपका खौफ खत्म ना हो जाए। क्या इस बार भी केशव ने हफ्ता नहीं दिया? उसे कल ही बताता हूँ कि भीमा क्या चीज है। केशव बड़ा ही सीधा व्यक्ति था। वह लकड़ी काटने का काम किया करता था। उसके घर में वो और उसकी माँ रहती थी। उसके पिता का कई सालों पहले देहांत हो गया था। वह बहुत बड़े पहलवान थे। केशव की छोटी हाइट के कारण वह अपने पिता की तरह पहलवान नहीं बन पाया। इसी कारण लोग भी उसका बहुत मजाक बनाया करते थे। एक दिन केशव अपनी दुकान से लौट रहा था, तभी उसके सामने भीमा आ जाता है। हाँ भाई टिंकू पहलवान, तूने इस बार भी हफ्ता नहीं दिया। लगता है तुझे मेरे से डर नहीं लगता। मैं अपनी मेहनत की कमाई तुझे क्यों दूं? सारे गांव वाले तुझसे डरते होंगे, पर मैं नहीं डरता। चल हट मेरे रास्ते से। तेरी जुबान बहुत ज्यादा चलने लग गई है। रुक, अभी तेरी गर्मी उतारता हूँ। भीमा केशव को अपने एक हाथ से उठा देता है और उसे उछालकर नीचे फेंक देता है। केशव के हाथों पैरों में चोट भी लग जाती है। वहाँ पर गांव वालों की भीड़ लग जाती है। भीमा और कल्लू उसको देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तू मेरा इतना अपमान क्यों करता है? तुझे मैं एक दिन देख लूंगा, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। अच्छा इतनी हिम्मत है तेरे में? चल, अच्छा दो दिन बाद तेरे और मेरे बीच में कुश्ती का मुकाबला होगा। अगर मैं जीता तो तुझे इस गांव से गधे पर बैठकर बाहर चले जाना होगा, और अगर तू जीता तो मैं गधे पर बैठकर इस गांव से बाहर चला जाऊंगा। बता, मंजूर है? केशव सोच में पड़ जाता है, लेकिन अपने इतने अपमान के बाद वह गुस्से में आकर उसे कुश्ती के लिए हाँ कर देता है। फिर भीमा और केशव अपने अपने घर लौट जाते हैं। केशव के घर पहुँचते ही उसकी माँ उससे पूछती है, अरे बेटा, ये तेरे हाथों पैरों पर चोट कैसे लगी? केशव अपनी माँ को सारी बातें बता देता है। केशव की बातें सुनने के बाद उसकी माँ उससे कहती है, बेटा ये तूने क्या कर दिया? तू इतने हट्टे कट्टे पहलवान को कैसे हरा पाएगा, और वो भी दो दिन बाद? केशव को भी अब लगने लगा था कि उसने कुश्ती के लिए हाँ करके गलती कर दी है। केशव जब रात को सो रहा था, उसे सपना आता है। सपने में उसके पिता उससे कह रहे थे, बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरी उस पहलवान को हराने में मदद करूंगा। तू कुश्ती के मुकाबले वाले दिन इस लंगोट को पहन कर जाना। ये कोई आम लंगोट नहीं है, ये एक जादुई लंगोट है, जिसे पहनने के बाद तू बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। जैसे ही केशव सपने में उस लंगोट को पकड़ता है, उसकी आंख खुल जाती है। उठते ही वो अपने मन में कहता है, अरे ये तो एक सपना था, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही वो अपनी नजरें घुमाता है, उसे अपने बराबर में वही जादुई लंगोट दिखती है जो उसके पिता ने उसे सपने में दी थी। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वो लंगोट को पहनकर देखता है। उसे पहनने के बाद उसे अपने आप में अलग सी शक्ति महसूस होती है। तभी वह एक डंडा उठाता है और अपने आप पर जोर जोर से मारता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है, ये तो सही में एक जादुई लंगोट है भीमा, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा, अब तेरा ही बनेगा कीमा। अगले दिन सुबह भीमा और केशव कुश्ती के मुकाबले के लिए मैदान पहुंच जाते हैं। तभी कल्लू जोर जोर से बोलता है, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिसे कोई कुश्ती में ना हरा सके उसे भीमा पहलवान कहते हैं। फिर कुश्ती का मुकाबला शुरू होने से पहले भीमा केशव को गुस्से में कहता है, मेरा नाम है भीमा, जो मुझसे टकराएगा उसका बना दूंगा कीमा। मैं हूँ इस गांव का बाहुबली पहलवान, और टिंगू तुझे तो मैं अपने एक हाथ से पटक पटक कर हरा दूंगा। लोग भी अब सोचने लगे थे कि भीमा के हाथों से आज केशव गया, लेकिन किसी को क्या पता था कि क्या होने वाला है।
तभी उन दोनों के बीच मुकाबला शुरू हो जाता है। भीमा केशव को पकड़कर उठाने लगता है, लेकिन वो उठा नहीं पाता। वह अपनी पूरी जान झोंक देता है, लेकिन फिर भी उसे नहीं उठा पाता। सारे लोग चौंक गए थे कि केशव में इतनी ताकत कहां से आ गई। भीमा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि केशव में इतनी ताकत कहां से आ गई। इतने में कि वह कुछ समझ पाता, उससे पहले ही केशव भीमा को पकड़कर कभी इधर फेंकता तो कभी उधर। बस फिर क्या, केशव भीमा को हरा देता है और शर्त के मुताबिक गांव वाले भीमा को गधे पर बैठाकर गांव से बाहर निकाल देते हैं। फिर सारे गांव वाले मिलकर केशव को अपने कंधे पर बैठाकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। इस तरह केशव गांव वालों को भीमा के अत्याचारों से बचा लेता है। बीसलपुर नाम का एक गांव था, जहां मिलन अपनी माँ और बड़े भाई के साथ रहता था। माँ, आज क्या बना रही हो? बहुत भूख लगी है। आज मैं मीठे पुए बना रही हूँ। खाओगे तो उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। पुए बनाने के बाद मिलन की माँ कंडे थोपने चली गई। मिलन सारे पुए चट कर गया। मिलन का बड़ा भाई आशीष खेत से घर लौटा तो उसने खाने की टोकरी खोल कर देखी। उसमें सिर्फ आधा पुआ पड़ा हुआ था। मिलन, क्या माँ ने आज पुए बनाए थे? हाँ बनाए थे, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए मैं सारे पुए खा गया। आशीष गुस्से में घर से चला गया और रात होने तक घर नहीं लौटा। रात में माँ आशीष को मनाने गई। आशीष, रात में यहाँ क्यों बैठे हो? मैं तुम्हारे लिए अगले सप्ताह दोबारा पुए बना दूंगी। नाराज मत हो, घर चलो। मुझे नहीं खाने पुए हुए। आप सिर्फ मिलन को प्यार करती हो, उसे ही सब कुछ खिला दिया करो। आशीष इस तरह अक्सर अपनी माँ और छोटे भाई से नाराज हो जाया करता था। कुछ वर्षों बाद मिलन और आशीष की माँ नहीं रही और आशीष ने शादी कर ली। मिलन की भाभी यानी आशीष की पत्नी का स्वभाव बहुत बुरा था। वो साबुन से लेकर खाने की चीजों तक सब कुछ छुपा कर रखा करती थी, ताकि मिलन किसी चीज का इस्तेमाल न कर पाए। भाभी, मेरे सिर में जू पड़ गए हैं, थोड़ा शैम्पू दे दो। नहीं मिलेगा शैम्पू, तुम्हारे भैया इतनी मेहनत से कमाते हैं और तुम यहाँ निकम्मे बने राजाओं की तरह जीवन जीते हो। पढ़ाई लिखाई छोड़ो और खेत पर जाकर काम किया करो। मिलन की भाभी सोचती थी कि अगर किसी तरह मिलन को घर से निकाल दिया जाए तो आगे जाकर जमीन का बंटवारा नहीं होगा और सारी जमीन उसके पति की हो जाएगी। एक सुबह मिलन की भाभी ने मिलन से कहा, मिलन अभी तुम्हारे स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, मेरा एक काम कर दो, रक्षाबंधन आने वाला है, मेरे भाई के गांव में राखियां पहुंचा दो। मिलन खुशी खुशी राखियां पहुंचाने के लिए तैयार हो गया। भोले भाले मिलन को पता ही नहीं था कि रास्ते में गंगा नदी पड़ती है और बारिश के मौसम में नदी में बाढ़ आना आम बात है। मिलन ने एक नाव किराए पर ली और नदी पार करने लगा। आकाश में काले बादल पहले ही छाए हुए थे। अचानक घनघोर वर्षा शुरू हो गई और नदी में बाढ़ आ गई। नाव पलट गई। फिर मिलन को होश ही नहीं रहा कि नदी की लहरों ने उसे कहां कहां पटका। जब मिलन की आंख खुली तो उसने खुद को नदी किनारे लेटा हुआ पाया। नदी के दोनों ओर घना जंगल था। मिलन को कुछ समझ नहीं आया कि वो कहां जाए। वो वहीं बैठकर रोने लगा। जब रात हुई तो मिलन ने आग जला ली, लेकिन खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। बाढ़ में कहीं से एक पटा और बेलन बहकर आ गए थे। मिलन पटा बेलन लेकर आग के पास बैठ गया और पटे पर बेलन मार मार कर अपनी माँ की याद में एक गीत गाने लगा। प्यारी माँ तुम कहाँ हो, तुम बहुत अच्छी थी, पुए बनाकर खिलाया करती थी। जैसे ही मिलन ने पुओं का नाम लिया
आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। मिलन को कुछ नहीं समझ आया। शायद माँ ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मिलन ने जी भर कर पुए खाए। अब जब भी उसे भूख लगती तो वो पटा बेलन बजा कर गाना गाता और किसी न किसी खाने वाली चीज की वर्षा हो जाती। कुछ महीनों बाद नदी से एक मछुआरा गुजरा। मिलन ने मछुआरे से अपने गांव का रास्ता पूछा। सुनिए अंकल, क्या आप बीसलपुर का रास्ता जानते हैं? हाँ जानता हूँ, लेकिन मैं बीसलपुर तक नहीं जा रहा हूँ। मैं अपने गांव तक तुम्हें ले चलूँगा, वहाँ से फिर तुम मेरे एक दोस्त की नाव पर बैठकर अपने गांव चले जाना। मिलन मछुआरे के साथ उसके गांव तक गया और कुछ दिन मछुआरे के घर पर ही रुका। मछुआरा बहुत गरीब था, उसकी एक बेटी थी, उसके घर खाने के लाले पड़े हुए थे। मिलन ने जादुई पटा बेलन से मछुआरे के घर पकवानों की बरसात कराई। बेटे, अगर तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मिलन ने मछुआरे की बेटी से शादी कर ली और कुछ दिनों बाद अपने घर लौट आया। मिलन की भाभी इतने महीनों बाद मिलन को जिंदा देखकर चौंक गई, लेकिन फिर रोने का नाटक करने लगी। देवर जी, भगवान का शुक्र है कि आप सही सलामत हैं। हमारे मन में तो न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। बहुत सुंदर देवरानी लेकर आए हो। भाभी, मैं तो भूखा मर गया होता। वो तो ये कहो कि माँ के आशीर्वाद से मुझे ये पटा बेलन मिल गया। बेलन को पट्टे पर मारते हुए जिस भी चीज का नाम लो उसकी बारिश होने लगती है। एक दिन जब मिलन अपनी पत्नी के साथ बाजार घूमने गया हुआ था तो भाभी ने जादुई पटा बेलन उठा लिया और अपने कमरे में ले गई। खैर, ये बेवकूफ मिलन अपने साथ एक चीज तो काम की लाया। इस पटा बेलन से मैं सोने के हार, साड़ियाँ और सोने के कुंडलों की बारिश कराऊंगी। भाभी पटा बेलन बजाने ही वाली थी कि तभी भाभी के कमरे में कहीं से एक सांप घुस आया। भाभी हार, साड़ियाँ और कुंडल भूलकर घबराहट में पटा बेलन बजा बजा कर सांप सांप चिल्लाने लगी। पूरे कमरों में सांपों की वर्षा हो गई और एक सांप ने भाभी के पैर में डस लिया और वो मारी गई।